देश में पहली बार मेथनॉल से शुरू हुआ बसों का संचालन, अब मेथनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां। डीजल पेट्रोल पर होगी कम निर्भरता, हजारों करोड़ों की होगी सालाना बचत। भारत ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक तेल के आयात पर 119.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इससे पिछले साल 62.2 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट किया गया था। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल पर देश का बहुत सारा पैसा विदेशों में जा रहा है, जिसे बचाने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार मेथनॉल के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार बेंगलुरु में 12 मार्च को मेथनॉल से संचालित बसें लॉन्च की थीं, जो MD15 यानी कि 15% मेथनॉल वाले डीजल पर चलेंगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का इरादा 80 बसें लॉन्च करने का है। पहले चरण में 20 अशोक लीलैंड बस चलेंगी। BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लीलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अगर इसका ट्रायल सफल रहता है तो देश भर के पेट्रोल पंपों पर मेथनॉल ब्रांडिंग वाला डीजल पेट्रोल मिलेगा, जिसके बाद डीजल पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए तक कम हो जाएंगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हिंदी खबर।